हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 और लेटर टू गॉड का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये कहानी एक लैंको नाम के पर्सन के बारे में है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ आपको क्रैश कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वो सब क्वेश्चंस, नोट्स, सैंपल पेपर इस वेबसाइट icsecbse.in पे मिल जाएंगे, जिसके लिए बड़े वेबसाइट्स पैसे लेते हैं। और जल्द ही NCERT के सभी बुक्स के सॉल्यूशंस भी अपडेट कर दिए जाएंगे मार्च 2022 तक। विजिट icsecbse.in। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक घर से, जो पूरे वैली के सबसे ऊपर वही एक सिंगल घर था। हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं तो सभी को बहती हुई नदी, कॉर्नफील्ड, मैनी फ्लावर्स व ग्रोन, ये सब दिखाई देता है। इस नज़ारे को देख ऐसा कहा जा सकता था कि इस फील्ड में हमेशा ही अच्छे से फसल ग्रो होते होंगे, और इसके लिए इस जगह के धरती को थोड़े से सावर वर्षा की जरूरत होती होगी। तो लैंचो एक मेहनती किसान होता है, एक मेहनती फार्मर होता है, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देख रहा होता है इस उम्मीद में कि उसे वर्षा मिलेगी, थोड़ी सी बारिश होगी। वहीं पास के फील्ड में जो बड़े बच्चे होते हैं वो सब खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे खेतों में खेल रहे होते हैं। तभी एक औरत ने आवाज लगाई कि सभी लोग आ जाओ, डिनर रेडी है। और यही डिनर का समय था जब लैंको ने ये प्रेडिक्ट किया था कि उन्हें पानी मिलेगा, यानी वर्षा होगी, और तभी बड़ी बड़ी बूंदे पानी का गिरने लग जाते हैं। हवाएं भी काफी प्लीजेंट और फ्रेश तेज चल रही थी। लैंको ये देख बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो इस बारिश का मजा ले सके। लेकिन वो जल्द ही चिल्लाते हुए घर में आता है, कहता है ये बारिश नहीं है, ये बड़े बड़े नए नए क्वाइन गिर रहे हैं। जो मोटी बड़ी रेन ड्रॉप्स थे वो 10 सेंट्स के बराबर थे और छोटे बूंदे 5 सेंट्स के बराबर। ये सब देख लैंचो को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है। तभी एक जोरदार हवा चलती है, बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। ये ओले इतने चमकीले थे जैसे एक सिल्वर क्वाइन हो। लैंचो ओले को देख सोचता है कि ये तो काफी बुरा होते जा रहा है, मुझे उम्मीद है शायद ये जल्द ही बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और लगातार हर जगह पर ओले गिरते रहते हैं, चाहे वो उसके घर की छत पर हो या वैली हो या फील्ड हो, सब जगह ओले गिरते रहे। सारे फील्ड को देख ऐसा लग रहा था मानो उन खेतों को किसी ने नमक से कवर कर दिया हो, पूरी तरह से ढक दिया हो, एक पत्ता तक पेड़ का नहीं बचा था। कॉर्न्स के प्लांट और फ्लावर बिल्कुल ही खराब हो चुके थे। ये सब देख लैंचो का दिल बैठ जाता है, वो काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गया था। अब कोई भी नहीं है जो लैंचो की मदद कर सकता है, इस पूरे साल उनको भूखा ही रहना होगा। लेकिन लैंचो के दिल में एक उम्मीद, एक भरोसा था कि उन लोगों की मदद गॉड जरूर करेंगे, भगवान जरूर करेंगे। लैंचो कहता है उदास मत हो, हम ये समझते हैं कि हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, हम लोग मुसीबत में हैं, लेकिन हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी लोग भूखा नहीं मरता, क्योंकि हम लोगों ने तो हमेशा से यही सुना है डैट नो वन डाई ऑफ हंगर। लैंचो उस रात सिर्फ एक ही हेल्प के बारे में सोचता रहा कि भगवान से वो मदद मांगेगा, क्योंकि उसे हमेशा से बताया गया था कि भगवान के नज़रों से कुछ भी नहीं छुपता, भगवान सबको देखते हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं। लैंचो भी काफ़ी मेहनती था, जैसे एक बैल हमेशा काम करता रहता है, लैंचो भी वैसे ही अपने खेतों में काम किया करता था। इसके बावजूद लैंचो थोड़ा पढ़ना लिखना जानता था। वो आने वाले संडे के दिन सुबह सुबह एक लेटर लिखना शुरू करता है भगवान को, और लेटर में वो ये लिखता है कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखे मर जाएंगे,
भगवान मुझे बस 100 पैसों की जरूरत है जिससे कि मैं वापस से अपने खेतों में क्रॉप्स फसल को ग्रो कर सकूं और मैं इन पैसों से अपने फैमिली को जिंदा रख सकूं जब तक मेरी फसल बिल्कुल तैयार ना हो जाए। फिर वो उस लेटर को इन्वेलप में डालता है, एक स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प उस इन्वेलप पे लगा के लेटर बॉक्स में डाल देता है। अब जब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय उस लेटर को पढ़ता है तो उसे काफ़ी हंसी आती है। फिर वो अपने पोस्ट मास्टर को ये लेटर देता है और पोस्ट मास्टर भी ये लेटर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं। उन्होंने उस लेटर के ऊपर अपने हाथों से टैप करते हुए कहते हैं, वाह क्या भरोसा है, व्हाट अ फेथ। वो कहते हैं, काश मैं भी उस इंसान के इस भरोसे की तरह उस इंसान के विश्वास को, भरोसे को पूरा कर पाता और उसका कनेक्शन भगवान के साथ करवा पाता। तभी पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। वो ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज से कुछ डोनेशन की उम्मीद करते हैं और वो खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट उन सारे पैसों में ऐड कर देते हैं, और लेकिन वो सिर्फ 50 पैसों से कुछ ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाते हैं और वो वही पैसे उस फार्मर लेंचो को भेज देते हैं। तो वो रिप्लाई कैसे करते हैं, उन्होंने यानी पोस्ट मास्टर ने उन पैसों को एक एनवेलप में डाला और लेंचो का एड्रेस डाल दिया और उस एनवेलप में एक और लेटर डाल दिया, बस एक वो गॉड लिखकर छोड़ दिया, जिसका मतलब था कि ये पैसे गॉड के तरफ से आए हैं। अब जब लेंचो को वो लेटर मिलता है तो लेंचो को ज़्यादा सरप्राइज या शॉक नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लेटर को देखता है वो पूरा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब उसने पैसों को काउंट किए तो वो कहता है, भगवान गलती नहीं कर सकता और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं कि 100 पैसों नहीं दे सकता। लेंचो तुरंत खिड़की के पास जाता है और एक पेपर और इंक मांगता है और लेटर लिखना चालू कर देता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी सीरियस है। फिर जैसे ही लेटर लिखना खत्म हुआ तुरंत उसने खिड़की के पास गया, स्टैम्प खरीदा और एनवेलप पे चिपका दिया। जैसे ही वो लेटर पोस्ट बॉक्स में गिराया, पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस लेटर को लाने को कहा, खोला और जब वो लेटर को पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर को पढ़ा तो हैरान रह गए। लेटर में इस बार लिखा था, भगवान मुझे आपका लेटर मिला और पैसे भी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही आ पाए, तो बाकी के पैसों भी जल्दी भेज दो, मुझे काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन वो पैसे मेल मत करना, मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज सभी के सभी एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाश हैं, चीटर हैं, ठग हैं, लेंचो। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और ICSE CBSE नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें और ICSE CBSE.in वेबसाइट को जरूर विजिट करें। थैंक यू।